हाय फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस ब्लॉग वीडियो में। फ्रेंड्स, कहते हैं जौनपुर में एक किला है जिसको शाही किला के नाम से जानते हैं। वो किला 700 साल पुराना है, तो आज के इस वीडियो में हम वही किला दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इस समय जौनपुर के शाही किले में। फ्रेंड्स, ये जो शाही किला है, इसको शाही किला कहते हैं, इसको शाही किला कहा जाता है। लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेन गेट है, यहीं से इंटर किया जाता है। और जो मतलब टूरिस्ट वगैरह जैसे कोई घूमने आता है तो यहाँ से एंट्री वगैरह करके अंदर देख सकता है। जो इसका टिकट प्राइस है वो 40 रुपये है, और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 5 से 10 रुपये कम मतलब छूट मिलती है। तो इस किले का रहस्य हम जानने के लिए फ्रेंड्स, हम बनारस से चल के यहाँ पर आए हैं। और इस किले के देखिए बाहर साइड जो है, बाहर साइड अगर देखेंगे तो देखिए ये ट्रांसफार्मर, ये रोड जा रहा है, और ये रोड बताते हैं कि 30 बाजार की तरफ जा रहा है। और फिलहाल देखिए ऑटो वगैरह सब हैं, और ये मेन गेट देखिए, देखने में ही ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, ये किला कईयों साल पुराना है। ये जाता है 30 बाजार को, और कहते हैं कि इसी तरफ से अगर जाओगे तो स्टेशन मिलेगा। हालांकि हम इस तरफ से आ रहे हैं, और अगर इस किले की हिस्ट्री की बात की जाए तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि 1362 ईस्वी में इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसकी हिस्ट्री अभी हमको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी हम अंदर भी चलते हैं और अंदर भी इसके दिखाते हैं आप सब लोगों को इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से कि अंदर क्या सीन है, क्या दृश्य है अंदर का। फ्रेंड्स, इसकी जो लोकेशन की बात करें तो ये आप जब जौनपुर स्टेशन में आएंगे, स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये। और देखिए, ऐसे देखने में महसूस भी हो रहा है कि हाँ, ये कईयों साल पुराना है। देखिए फ्रेंड्स, हम अंदर आ चुके हैं, और अंदर आने पर देखिए कितना ये गेट भाई तो बहुत बड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, अंदर चलते हैं और अंदर चलने की कोशिश करते हैं। देखिए फिलहाल पार्क वगैरह बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, और ये 1362 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बगल में ये जो सामने हम इस समय फ्रेंड्स ऊपर इसके खड़े हैं, और इस किले के ऊपर से देखिए ये जो गोमती नदी है यहाँ से दिखती है, यानी कि बगल ये जो किला है गोमती नदी के पास ही में बना है। और फ्रेंड्स, इसी के बगल में जो हिस्टोरिकल प्लेस की अगर बात की जाए जौनपुर में, तो शाही किला भी है, और उसी के बगल में ये गोमती नदी प्रवाहित होते हैं। तो देखिए, शाही किला का भी अगर आप लोग आनंद लेना चाहते हैं तो शाही किला भी आपको यहाँ से देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़र आता है। मैं आपको बता दूं, मैं इस समय किले पर नहीं हूँ, किले से नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि वीडियो को छोटा किया जाए और फ्रेंड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में दिखाया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जौनपुर में बहुत ऐसे स्थान हैं जो घूमने के प्लेस हैं, पार्क वगैरह बहुत चीज़ें हैं, और देखिए किला जो है बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो फ्रेंड्स, हालांकि इसकी हिस्ट्री अभी हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आप लोगों को कुछ इसके बारे में पता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके इस वीडियो में बताएं।